राम राम सर, मंजूश किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आज मैंने और गीता जी ने मिलकर थाली बनाई है दिवाली स्पेशल। तो आप जरूर बनाकर ट्राई कीजिए। ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। ऐसी और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गीता जी बताएंगे आप। राम राम सर सभी को। मैं गीता चौधरी और आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में। मैं आई हूं मंजू जी के वहां पर और आप देख सकते हैं मंजू जी ने बहुत ही अच्छी दीपावली स्पेशल थाली बनाकर तैयार की है। और राजस्थानी खाना इतना अच्छा बनाते हैं कि मेरे से भी अच्छा बनाते हैं। काफी चीजें मैं इनसे सीखती भी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो भिंडी की सब्जी बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम भिंडी ली है, 2 टमाटर लिया है, 2 प्याज लिया है, 2 हरी मिर्च ली है। तो इसका पेस्ट बना लेते हैं। प्याज की कटिंग करेंगे और टमाटर मिर्ची और लहसुन का पेस्ट बनाएंगे। तो मैं साइड में भिंडी कटिंग कर रही हूँ। हल्के हल्के कट लगाना है भिंडी को। मसाला भिंडी बना रहे हैं तो हल्का सा कट लगाना है। अच्छे से धो करके और सुखा करके लिए भिंडी को मैंने, ताकि अच्छी बने। और गीता जी प्याज काट रहे हैं और मैं भिंडी कटिंग कर रही हूँ। तो भिंडी कटिंग मैंने कर ली है। और 1 चम्मच तेल लिया है। तो भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। गैस की आंच मीडियम में रखना है और लगातार चलाते रहना है। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच नमक लिया है। अच्छे से मिला देते हैं मसाला को और धीमे आंच में रखो। 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। 2 मिलकर के साथ में बनाते हैं तो और मज़ा आता है और बनाने में टाइम कम लगता है। गीता जी ने मैंने बहुत सारी बातें की है और साथ में वीडियो बनाया है। तो भिंडी को मैंने अच्छे से फ्राई कर ली है और बॉल में निकाल लेते हैं। तेल मैंने डाल दिया है पहले से। 1/2 चम्मच राई लिए मैंने। 1/2 चम्मच हींग है, 1/6 चम्मच से ले रही हूँ मैं। 1/2 छोटा चम्मच मैं जीरा लिया हूँ। इसको अच्छे से मिला देते हैं तेल के अंदर। और 2 प्याज को कटिंग करके लिया है मैंने, एकदम बारीक काटा है। इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेते हैं। तो प्याज अच्छे से भून लिया है। प्याज लहसुन का, टमाटर का और मिर्च का पेस्ट बना के रखा था तो इसको अच्छे से मिला देते हैं। एक से 2 मिनट तक पकाना है। 2 चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिया है। आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। 1 चम्मच मिर्च हल्दी पाउडर लिया है और 2 चम्मच मिर्ची पाउडर लिया है। 1.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है। नमक स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने 1 चम्मच लिया छोटे वाले से। और भिंडी को फ्राई करते टाइम डाला था मैंने, तो नमक मैंने कम डाला है। सभी मसाले को अच्छे से मिला लिया है। 1 चम्मच मैंने दही लिया ताज़ा। आप मलाई भी डाल सकते हो। मेरे पास दही था, मैंने दही डाला है। दही की जगह आप मलाई का यूज कर सकते हो। 1 चम्मच मैंने पानी लिया है ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। 2 से 3 मिनट ढक्कन लगा कर पका लेते हैं। मसाला अच्छे से पक गया है, तेल भी छोड़ दिया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गैस की आंच मीडियम में रखना है ताकि मसाला जले ना। ये भिंडी फ्राई करी रखी थी तो ये मिला देते हैं अंदर। मसाला भिंडी है तो मसाला को अच्छे से पकाया मैंने। ढक्कन लगा करके 2 मिनट तक पका लेते हैं। भिंडी पहले से फ्राई करी हुई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2 मिनट तक पकाया भिंडी को। 2 मिनट में भिंडी अच्छे से पक जाती है। ज़्यादा नहीं पकाना है, सब्जी अच्छी नहीं बनती है। तो सब्जी बनकर तैयार है। 1/2 छोटा चम्मच मैंने घर पर बनाया हुआ गर्म मसाला लिया है।
गरम मसाला मैंने डाला है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया काट करके, वो आपके पसंद के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, धनिया गरम मसाला। तो सब्जी बन करके तैयार है, साइड में रख दिए और बूंदी रायता बना रहे हैं। दिवाली स्पेशल थाली है तो बूंदी रायता ज़रूर बनता है। तो मैंने 250 ग्राम दही लिया था, तो गीता जी अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, दही को अच्छे से फेंट लिया है। एक चम्मच नमक लिया है, एक चम्मच चीनी ली, एक चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच जीरा पाउडर लिया छोटे चम्मच से, एक छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर लिया है, थोड़ा सा पुदीना हाथ से क्रश करके डाला है, आधी कटोरी बूंदी डाल रहे हैं। सभी मसालों को अच्छे से मिला देते हैं। 100 ml पानी का यूज किया और 250 ग्राम दही था और 100 ml पानी था। तो रायता को साइड में रख देते हैं, बाकी तैयारी कर लेते हैं। पूड़ी बना रहे हैं, थाली स्पेशल है दीपावली। पूड़ी बनाने के लिए गीता जी पूड़ी की कटिंग कर रहे हैं, पूड़ी बेलेंगे। आटा मैंने पहले से लगा के रखा था, तो छोटी छोटी लोई बना ली है। गीता जी पूड़ी बेल रहे हैं, मैं तेल गर्म कर रही हूँ कढ़ाई में साइड में। जब तक तेल गर्म होगा जब तक मैं पूड़ी की लोई बना देती हूँ। छोटी छोटी लोई बनानी है, पूड़ी ज़्यादा बड़ी अच्छी नहीं लगती है। जैसे रोटी का आटा लगाते हैं वैसे आटा लगा करके मैंने तैयार किया था। आधा छोटा चम्मच मैंने नमक डाला था और रोटी वाला आटा जैसे आटा लगा करके तैयार कर दिया। तेल अच्छे से गर्म हो गया है और पूड़ी को डाल दिया मैंने फ्राई करने के लिए। जरा वो ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, हल्के हल्के धीमे आंच पर पका करके और पूड़ी को निकालना है बाहर। पूड़ी बहुत अच्छी बनी है, फूली फूली। उसमें मोइन वगैरह डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई तेल वगैरह कुछ नहीं डालना है, मोइन नहीं डालना है बिल्कुल। थाली बन करके तैयार हो गई है। जब मैंने पेड़ा रखा है, रायता, ये काजू कीरी की सब्जी बनाई मैंने, ये मेरे चैनल पर डाली हुई है, आप जा करके देख सकते हो, मंजूस किचन पर है। ये पूड़ी और ये मसाला भिंडी और सलाद पापड़ पेड़े का वीडियो गीता जी का चैनल पर जाकर देख सकते हो, गीता जी का चैनल पर डाला हुआ है पेड़े का वीडियो।